अयोध्या जनपद में यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के पहले दिन एसएसपी आशीष तिवारी ने खुद कमान संभाली और लोगों को फूल देकर यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया और लोगों को बताया कि अब डायल 100 नहीं डायल 112। वही एसएसपी आशीष तिवारी ने कहा कि यातायात के नियमों के उल्लंघन पर पहले समझाया जाएगा, फिर चालान किया जाएगा। जनपद में ही पहले से नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान चल रहा है, जिसका अच्छा परिणाम मिल रहा है। एसएसपी आशीष तिवारी ने दावा किया 5 महीनों में लगभग 50% पुलिस ने लोगों की जान बचाई है और शहर में जगह जगह हेलमेट की दुकान खुल गई है। जनपद के लोगों ने सेल्फ कंप्लेंस किया गया है और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन में भी सहयोग किया। नवंबर महीने में 50% से अधिक लोगों की जान बचाएंगे। ये यातायात माह जो होता है वो चालान के लिए और एनफोर्समेंट वगैरह के लिए होता है, जागरूकता के लिए होता है। जैसा कि आपको पता है कि यातायात के 3 E होते हैं, एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग और एजुकेशन। इन तीनों चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे, स्कूलों में जा जाके जो है जागरूक करेंगे, जो रोडें वगैरह है उसमें नियमता से मिलकर उसको ठीक करवाएंगे और एनफोर्समेंट भी करेंगे, मतलब चालान भी करेंगे यदि कोई समझाने के बावजूद भी जो है नियम को तोड़ता है। हालांकि पुलिस का मेन काम समझाना और वो है, उसके बाद में ही हम चालान करेंगे। पर जैसा कि आप लोग विदित है कि हमारे यहाँ और नो हेलमेट नो पेट्रोल ऑलरेडी अयोध्या में चलता है, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। पिछले 5 महीनों में लगभग 50% लोगों की जान हमने बचाई है, जो पिछले साल के मुकाबले है। तो इस बार काफ़ी कमी आई है और पूरे शहर में आप देख सकते हैं जगह जगह हेलमेट की दुकानें खुली हुई हैं। तो ये बहुत ही अच्छा संदेश है, यहाँ पे लोगों ने सेल्फ कंप्लायंस किया है, जो पेट्रोल डीलर एसोसिएशन है, मीडिया है, जिसमें जनता है, सभी ने मिलकर बहुत अच्छा सहयोग दिया है, जिसकी वजह से हम लोग ये जाने बचा पाए हैं। आगे हम चाहेंगे कि नवंबर माह में 50% से भी ज़्यादा हम जाने बचाएं, तो इसके लिए पूरी कोशिश रहेगी, सारी चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे। जी सर।